हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आज हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जीआई टैग क्या होता है सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीआई टैग को हिंदी में क्या कहते हैं। जीआई टैग को हिंदी में विशिष्ट भौगोलिक संकेत कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जीआई टैग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जीआई इज़ अ नेम और साइन यूज ऑन प्रोडक्ट विच करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी आई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। अतः जी आई टैग की डेफिनेशन हुई। अब जी आई टैग के बारे में कुछ डिटेल्स देख। इंडिया के लिए फर्स्ट जी आई टैग मिला था 15 सितंबर 2003 में। दार्जिलिंग टी के लिए पहला जी आई टैग मिला था इंडिया के लिए। अभी प्रेजेंट में इंडिया के पास 624 जी आई टैक्स हैं। इसमें से इंडिया को रिसेंट में 4 जी आई टैक्स और मिले हैं, जिसमें मणिपुर के काले चावल हैं, गोरखपुर का टेरा कोटा, कोविलपट्टी कदलाई मितई तमिलनाडु और कश्मीरी केसर को मिला है। तो चलिए इनकी अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। मणिपुर के काले चावल, जिन्हें चाक हाओ भी कहा जाता है, इस चावल का वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों से अधिक होता है। चावल का वजन और इसका काला रंग एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। इसके बाद गोरखपुर टेराकोटा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, टेराकोटा किसे कहते हैं? तो टेराकोटा इतालवी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पकी हुई मिट्टी। लाल मिट्टी को पकाकर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं शिल्पकारों द्वारा, उन कलाकृतियों को टेराकोटा कहते हैं। तो गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश का शहर है, वहाँ पर गोरखपुर टेराकोटा वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो लगभग ये 100 साल पुराना एक टेराकोटा का संस्थान है। टेराकोटा में दो मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियाँ और मूर्तियों को पकाने के बाद लाल रंग किया जाता है। शिल्पकार इसे हाथों से बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोविलपट्टी कदलाई मितई। कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिण भाग में बनाई जाने वाली मूंगफली और गुड़ की कैंडी, जिसे आप गजक कहते हैं, तो ये यहाँ की फेमस गजक है। इसमें विशेष रूप से थामी वरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। और लास्ट में कश्मीरी केसर, केसर को इंग्लिश में सेफ्रॉन कहते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। दुनिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है, जो हर साल 300 टन, जी हाँ 300 टन से अधिक केसर की खेती करता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।